काम करना, ठोक के पैसे लगाने, रोक के। हाँ जी भाइयों, क्या हाल चाल। मैं आपका भाई जसप्रीत लेकर आया हूँ बेस्ट व्लॉगिंग चैनल लिमिटलेस इंडियन पे आपके लिए एक और वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और यार जहाँ पर भी होंगे बढ़िया से होंगे। तो इस टाइम हम हैं कनाडा में। कल मैं लोड लेकर वापस आ गया था कनाडा से, तो भाई लोड लाने के बाद जो भाई साहब मेरे को थकान हुई है, ओ मैन, मैं 2 बजे आया हूँ रात को 2 बजे आया हूँ और भाई 10:30 बजे कहीं मैं मुश्किल से उठाऊँ। मैं कहा भाई यार जाना भी है काम पे, है ना। मैंने 11 बजे लोड उठाना था, 11:18 तो यही हो गए थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, पर दैट्स ओके, लोड खींच देंगे गाड़ी को, अपने को ट्रक को खींच देंगे दबा के। जो 30-40 मिनट का एक्स्ट्रा ब्रेक लेते हैं वो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस टाइम अपने एरिया में भाई दिन आज भी बहुत अच्छा चढ़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहो तो मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे खेत है और मेरे राइट साइड में यहाँ पर भाई बहुत सारे घर हैं और मेजॉरिटी घर भाई अपने इंडियंस के ही हैं। सो अपने इंडियंस का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर इंडियंस बहुत रहते हैं। जितने भी ये सामने घर देख रहे हो आप ना, ये सारे इंडियंस के घर हैं। इस साइड पे खेत है, कई खेत भी हैं, लाइक पंजाबियों के, हरियाणा वालों के, इंडियंस के, है ना, सबके खेत भी हैं इस साइड में और इन्होंने खेतों में घर भी डाल रखे हैं। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ अपने यार्ड पहुँचकर भाई वहाँ से ट्रेलर उठाता हूँ, उसके बाद भाई कॉफ़ी कॉफी उठा के ना बढ़िया कैम सा होके लाइक 1-2 घंटे में आपको मिलता हूँ। आपके लिए तो भाई 1-2-3। हाँ जी भाई, तो अब मैं आ चुका हूँ अपने ट्रक में लोड मैंने उठा लिया, पीछे ट्रेलर हुक कर लिया। ट्रेलर हुक करने के बाद मैं आया था पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवा लिया भाई। अब मैं जा रहा हूँ अंदर कॉफ़ी लेने के लिए भाई अपना पर्स डाल लो जरा जेब में भाई। हमने अपना ट्रक लगा दिया है पीछे, अगर किसी को भरना तेल भर सकता है तो ये बड़ी बहुत बढ़िया चीज़ है यार। अब वहाँ पर जाएंगे, इस ट्रक वाले को निकाल दूँ भाई, ये अपना ट्रक, तो दूसरे बंदे जा रहे हैं भाई। तो एक हिसाब से यहाँ पे पार्किंग लॉट होता है, जब भी आप है ना कहीं पे लोड डिलीवर करते हैं, लोड डिलीवर करने के बाद आपको ऐसे होता है कि यार थोड़ा रेस्ट मार लेते हैं ना, थोड़ा सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। तो बंदे ऐसे यहाँ पे ट्रक लगा कर साइड पे, जैसे वो खड़े हैं लगा कर आराम से सो जाते हैं भाई। मूवी देखता हूँ मैं तो सोने से पहले। तो भाई ये है BVD का पेट्रोलियम, तो यहाँ पर अंदर जाके मैंने कॉफ़ी लेके आनी है डेसर्ट। सो भाई कॉफ़ी हमने ले आए हैं, देख लो भाई कोरोना का हाल, बैठने बुठने की सब जगह बंद हो चुकी है, TV लगा रखे हैं इन्होंने। आ जाओ भाई, चलो भाई। तो भाई अब कहते हैं ना काम करना, ठोक के पैसे लगाने, रोक के सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगा यार, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना यार, इनका खाना बिल्कुल भी हेल्थी नहीं होता। और ज़्यादातर जब भी मैं ट्रिप पर आता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ ना, तो भाई मैं ट्राई करता हूँ कि अपना खाऊँ, अपना घर से खाना बनाना बना के लाऊँ भाई, वो चीज़ बेटर होती है। नहीं तो ना बंदा फिर बाद में भाई, पहले ही पेट बहुत निकला हुआ, वेट को थोड़ा कंट्रोल करना भाई। ये बंदे देख रहे हैं भाई, ये लड़का व्लॉग बना रहा है। मेरा ऑलरेडी पंजाबी चैनल है भाई, राउंड 1,30,000 सब्सक्राइबर है उस पर अपने, पर मैं कहा हिंदी का पंगा लेके देखना भाई, क्योंकि मैं हूँ दिल्ली से, दिल्ली में मेरी स्कूलिंग वगैरह सारी दिल्ली में, तो मेरी हिंदी बहुत बढ़िया, आप देख ही सकते हो मेरी वीडियो में भाई। तो यहाँ पर लोग तेल डलवा रहे हैं अपनी वाली लाइन में, अभी भी कोई नहीं है, तो अपने पास खुला टाइम है। तो हाँ जी भाई, हम आ चुके हैं ट्रक के अंदर, ब्रेक के कर देंगे रिलीज, अपना चार्जर वार्जर सब लगा लिया भाई, लॉग बुक अपनी सेट है। अब हम लगे हैं भाई ट्रक को घुमाने और चढ़ा के ट्रक को घुमाएंगे यहाँ से भाई, पूरा चढ़ा के भाई, इधर उधर देखते रहो भाई, कोई जैसे ये भाई पैदल जा रहा है, ऐसे कोई पैदल पुदल ना जा रहा हो भाई, अगर कोई जा रहा होगा तो आप पे भाई पंगा पड़ सकता है भाई, पंगा पड़ सकता है। ये कर रहे हैं बंदे, लड़ रहे हैं भाई, लड़ाई कर रहे हैं भाई, भाई लड़ पड़े, भाई लड़ पड़े, वाह वाह वाह, लड़ो 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 मरो तो भाई हम तो चले काम पे, दुनिया जो मर्जी करे, अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करना अगेन। और भाई अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को कर दो लाइक, ऐसा ही कंटेंट आता अपने चैनल पर, और एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा यार, जो बात सच्चा सच्चा है। टंकी फुल करा ली है भाई तेल की, और तेल के अलावा इसमें एक और चीज़ पड़ती है, वो जब मैं प्रॉपर जैसे कहते होते हैं ना प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा कि भाई हम कैसे पेट्रोल पंप पे तेल डलवाते हैं, मतलब ट्रक का है ना, तो उसमें आप देखना कभी। अभी तो भाई बहुत जल्दी हो रखी है और कोरोना वायरस के चक्कर में है ना भाई, सड़कें देख लो तुम, रोड देख लो, खाली पड़े हैं। ये इस तरफ को मुँह करके को लगा रखा भाई, हिल गए बंदे, ये देखो देखो कार वाला कितनी तेज आ रहा, देख 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 भाई बंदे ना, मतलब ये सोचते रेस लगा रहे हैं रोड पे, लाइक ये गाड़ी नहीं चला रहे,
ये स्टॉप साइन है, सबका स्टॉप साइन है। जैसे अब ये ट्रक वाला भाई आ रहा है, ये मेरे लिए रुक जाएगा क्योंकि मैं स्टॉप पे पहले पहुंचा हूं। तो भाई चढ़ाकर हमने अपने ट्रक को राइट मोड़ लेना है ऐसे कर। मेरे BMW वाली डर गई। डरो मत, प्रोफेशनल ड्राइवर है। तो भाई रेड लाइट से हमने लेना राइट। आओ आगे आ जा भाई, आगे आ जा, तू आगे आ जा, बिल्कुल ट्रक के नीचे ही आ जा बेवकूफ इंसान। चलो भाई वो मेन रोड पे आ गया भाई, ये डिक्सी रोड। जो भाई मेरा मिस जागा में रहता है, भाई ब्रैम्पटन में रहता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा ये रोड पूरे ऊपर तक जाती है, ऑल द वे नीचे तक जाती है। तो भाई हम यहाँ से मारेंगे राइट, पर अभी भाई रेड लाइट है इसलिए हम मार नहीं सकते। भाई पूरी गर्मियाँ हो रखी है भाई कनाडा में, हर बंदा देख लो, बंदे ने सनरूफ खोल रखा है, शीशे खोल रखे हैं, वो ट्रक वाला भाई भी शीशे खोल के घूम रहा है। तो ये होते हैं सिटी वाले ट्रक जिसके बस आगे आगे वाला पार्ट होता है, जो हमारे वाला होता है वो होता है स्लीपर लाइक, जिसमें हम दूर जाते हैं ट्रक लेके, है ना। तो ये बस सुबह शाम काम करते हैं, रात को ये लगा कर ट्रक घर चले जाते हैं क्योंकि इसमें सोने की जगह नहीं होती अगर आप ध्यान से देखो तो। तो भाई अभी हमारी लाइट नहीं हुई, हमारी लाइट होगी अभी, मुड़ने वालों की लाइट हुई। यहाँ से ये लोग मुड़ जाएंगे, वहाँ से ये लोग मुड़ जाएंगे, तो उसके बाद फिर जब पूरी ग्रीन हो जाएगी तभी हमें राइट मारना है। तब उनकी येलो हो चुकी है, हमें ग्रीन लाइट मिल चुकी है, तब वो जो गाड़ी वाला वो रुक जाएगा हमारे लिए और हम मार लेंगे राइट। राइट में से यार स्लो मारो, कई बार ये पता नहीं होता यार उस साइड से कोई चल के पार करने वाला बंदा आ जाता है, फिर बंदा परेशान होता है यार, या किसी को चोट लग सकती है ना। सो ये सेफ्टी का ही मामला होता है इसमें ट्रक में, क्योंकि आप बहुत बड़ा ट्रक चला रहे होते हैं। तो भाई ये ट्रक मेरा फेवरेट है, पुराने मॉडल का ट्रक है, लाइक 90s का, पर भाई इतना जानदार ट्रक है ना, मस्त चीज़ है एकदम। अच्छा अब आप ये सोच रहे हो भाई अपना ट्रक कौन सा है, अपना ट्रक भाई अराउंड 2018-19 का मॉडल है, ये वॉल्वो का ट्रक है। इसका भी इंटीरियर पूरा आपको वीडियो बना के दिखाएंगे, पर उसके लिए भाई चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, तभी तो भाई मज़ा आएगा ना। यहाँ पर अभी हम थे जहाँ से हमने तेल डलवाया, हम ट्रक वालों को भाई घुमा के आना पड़ता है, वो बड़े बड़े रस्तों से आना पड़ता है, हम सीधे नहीं आ सकते किसी भी जगह में, है ना। तब 70 की स्पीड में मैं भगा रहा हूँ ट्रक, ग्रीन लाइट अपनी है, पर देखो यार ये बंदा देखो कितना बेवकूफ है। अब मैं इस लेन में इसलिए आया हूँ क्योंकि वहाँ से ना भाई एग्जिट है, और मैं बिल्कुल आगे जाकर भाई किसी को भाई तंग नहीं करना चाहता, क्योंकि सारे के सारे ट्रक लगे हुए हैं, बाद में भाई अगले गाली देते हैं, सीधी बात है ना भाई, इंडिया वाला हिसाब ही है यहाँ पर भी, अगर आप गलत चलोगे रोड पे है ना तो ऑब्वियस सी बात है भाई बंदे गाली तो देंगे, है ना। कहाँ जाना तूने, आ जा मेरे भाई आ जा। ये होता भाई एक दूसरे का कहते हैं ना रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की इज्जत करना, बंदे ने आना था, मैं भाई आ जा कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अब हम इस लाइन में लग जाएंगे धीरे धीरे करके। ट्रैफिक चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि जाम है, एक्चुअली वहाँ पे रेड लाइट है इसी करके थोड़ा सा ट्रैफिक है। मेरा गला इतना ख़राब हो गया था कल रात को ना, मैंने मतलब रात को लेट आया मैं 2 बजे के पास आस पास, है ना, रात को तो हल्की फुल्की नींद आती थी, है ना, लाइक आपको पता ही यार 2 बजे तक आप जागोगे। तो फिर मैंने शीशा खोल लिया, लाइक पास ही था मैं, 30-1 किलोमीटर रहते थे, है ना, और मैंने शीशा खोल लिया, ओ भाई साहब ठंड बढ़ गई भाई छाती में, है ना, उस वजह से लाइक परेशान बहुत हुआ मैं, पर दस ओके लाइफ है, पर मैं कहा भाई वीडियो जरूर बनानी है, कहते ना मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, और हार्डवर्क को भाइयों के लिए रिकॉर्ड करना है ताकि मेरे भाई देख सकें और उस चीज़ से इंस्पिरेशन ले सकें कि अगर भाई हमारा नहीं रुक रहा तो हमें भी नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो आपकी ज़िंदगी में, है ना। तो आपको भाई मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करो। तो अब हम हाईवे पे चढ़ने वाले हैं, ये 401 हाईवे है, और ये हाईवे ऑल द वे सीधा जाएगा भाई बॉर्डर तक। और मेरे यहाँ पे एक ट्रक वाला आ रहा है, मैं इसको कहूँगा उसी भाई लाइन मुझे दे दे, जरा आने दे दे, पर मुझे लगता नहीं कि ये मुझे आने देगा। ये बड़ी यार मुझे ना लगा लो फुद्दू बात लगती है, स्पेशली इस एरिया में, जिस एरिया में रहता हूँ ना, मतलब इतने बुद्धू बंदे हैं, अगर आपसे कोई साइड मांग रहा है या आपको इंडिकेटर दे के कह रहा है कि यार मुझे आ लेने दो, है ना, आने नहीं देंगे, लाइक बंदे को लिटरली लाइक परेशान कर देंगे, बंदा कहता है यार गाली गुली देने में बंदा मजबूर हो जाता है। तो भाई अब हम इस टनल सी के अंदर बढ़े हैं, इसके बाद हम आ जाएंगे अब हाईवे पे, यहाँ पर आने के बाद हम कर जाएंगे मर्ज, क्योंकि आज जो अपना लोड है ना भाई, जो सामान हम कैरी कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट है, इसलिए जो पिकअप है ना ट्रक की भाई बहुत बढ़िया है, 1 मिनट में ही ट्रक अपना 100 पे लग गया बढ़िया। और अब इस लेन में हम आराम से भाई धीरे करके बैठ जाएंगे, और अभी तो मैं क्रूज़ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये यार थोड़ा सा ना शहर ऐसा है कि यहाँ पर ट्रैफिक होता है राइट, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा पर होता है थोड़ा बहुत, सो रैदर देन तंग होने के
थोड़ा टाइम चला लेते हैं ट्रक को, जब बिल्कुल खाली हाईवे पे डल जाएंगे थोड़ी देर बाद तब मैं क्रूज लगाऊंगा। भाई ये थोड़ा शीशा साफ कर लूँ। वैसे मैंने साफ किया था पर वो अच्छे से साफ नहीं हुआ मेरे हिसाब से ना, वो जो उनका वाइपर था वो सही नहीं था। चलो भाई वेट कर रहा हूँ यार कब मेरा अपना ट्रक आए। और अब इसमें मैंने आज मैप नहीं लगाई क्योंकि भाई 400-500 किलोमीटर का जितना भी रास्ता है ना मुझे सारा अब याद है। तो ये ड्राइवरों की खासियत होती है, खासियत तो चलो छोड़ो, ये रोड सीधी ही जानी है, मुझे हाईवे को छोड़ना नहीं है, सीधा जाना है। 400 किलोमीटर बाद अमेरिका का बॉर्डर आ जाएगा भाई। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, यहाँ पर अंडरकवर पुलिस वाला खड़ा हुआ है, ये पुलिस वाले होते हैं भाई साइड में लगाए खड़ा, अगर कोई बंदा भगाएगा गाड़ी को तेज ये उसे पकड़ लेगा। अभी हम नॉर्मल हाईवे में है, लाइक ये होता है वो होता है एक्सप्रेस हाईवे जो जहाँ पे वो गाड़ियाँ जा रही हैं, हम हैं कलेक्शन में। तो थोड़ी देर बाद हम इस हाईवे में मर्ज हो जाएंगे, तो इसका मतलब होता है कि हम बड़े हाईवे में जो मेन हाईवे है, कनेक्शन नहीं ये कनेक्शन है जिससे हम एग्जिट लेते हैं ना रोड पे, जैसे ये एग्जिट आ गया आगे फिर एक एग्जिट आ गया आपने निकाल लिया रोड पे है ना, वो होता है एक्सप्रेस, वो चलता रहता सीधा लाइक, वो बढ़िया चीज़ है। बस अब आप लगा लो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर हम मर्ज कर जाएंगे। थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर दैट्स ओके यार, दिन बहुत अच्छा आज भी, भगवान की दया, उस ऊपर वाले की बहुत दया है यार। कनाडा में बहुत मुश्किल से गर्मियाँ आती हैं यार, तो गर्मियों को जितना इंजॉय कर सके उतना बढ़िया है। और ट्रैकिंग में तो ऑब्वियस सी बात है, आप अलग अलग शहर में जाते हो, अलग अलग जगह पे जाते हो, तो भाई बंदे की इंजॉयमेंट जो होती है वो डबल ट्रिपल 4 गुना तक हो जाती है। तो भाई ये देखो, देख सकते हो आप कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर, अब बस 1 किलोमीटर लगा लो छोटा मोटा हम मर्ज कर जाएंगे। उसके बाद भाई मैं रहता वैसे राइट लेन में ही हूँ, पर उस हाईवे की राइट लेन में, तो मेरे पीछे गाड़ियों वाले हैं, गाड़ियों वाले कह रहे हैं भाई साहब आप क्यों इस लेन में चला रहे हो, इसलिए चला रहे हैं हमने भी मर्ज करना है हाईवे पे। एक बार जब मर्ज कर जाएंगे तो वो जो ये पहली लेन होती है, अब जैसे अब हम मर्ज कर गए है ना, तो अब ये तीसरी लेन मेरी है, वो पहली लेन और ये दूसरी लेन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तभी यूज़ करता जब मेरे सामने कोई ट्रक धीरे चला रहा है तो मैंने उसको पास करना, वो भी मैं इस लेन में आऊँगा, उस लेन में तो मैं जाऊँगा नहीं। उस लेन में जाना वैसे भी इल्लीगल है, अगर आप ट्रक ड्राइवर हो कनाडा में यूएसए में, अगर आप उस लेन में ट्रक चला रहे हो भाई आपको टिकट मिल सकती है। भाई ये देखो ये ड्राइवर है भाई, वाह 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 वाह, गुड जॉब भाई, आइडल लीज वाले बहुत बढ़िया भाई तेरा, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम वहाँ जाता जाता यहाँ आ गया, ऐसे ड्राइवर है भाई कनाडा में कई सारे नहीं कई कई बंदे अपने भाई है ना जो बुरा मान जाते हैं फिर यार के भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, अपने भाइयों को ऐसे बोल रहे हो, नहीं भाई नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, ये बस कुछ होते हैं कुछ चुनिंदा कहते हैं ना केस होते हैं ऐसे, कॉफी का सिप मारते हैं। आ भाई मेरा प्लान था कि अंडे भी गर्म कर लूँ 3, पर कोई नहीं अगले स्टॉप पे अंडे गर्म करूँगा, अंडे गर्म करके खाऊंगा। और भाई ये कंस्ट्रक्शन इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता था, इन्होंने क्या किया भाई इस रोड को चौड़ा कर दिया, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है इन्होंने रोड चौड़ा कर दिया, अब ये सारा का सारा हाईवे देख लो आप 5-6 लेन का हाईवे हो जाएगा इस जगह पे। तो आई थिंक इस साल के एंड तक ये चालू करते हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियों में भाई यहाँ पर किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन नहीं होती, हर एक चीज़ जैसे अगर आप देख सकते हो ये रोड है ना, हर एक रोड पर स्नो पड़ी होती है, जो जितना आप ग्रीनरी देख रहे हो मिट्टी देख रहे हो भाई सब ब्लैक एंड वाइट होता है, वाइट वाइट स्नो होती है सब जगह। सो गर्मियों में ही कंस्ट्रक्शन होती है, अब लगा लो आप 3-4 महीने में इसको पूरा करके ये भी हाईवे बढ़िया चालू हो जाएगा। तो भाई अब हमें इस लेन में आ जाना चाहिए क्योंकि ये ट्रैफिक जो है ना थोड़ा स्लो चल रहा है। तो मेरे पीछे एक मस्टैंग वाला भाई था, मस्टैंग वाले भाई ने मुझे रास्ता दे दिया, कहता भाई तू जा, उसने आई थिंक यहाँ को जाना है मे बी, तो मिडल लेन में आ चुके हैं हम। तो भाई अब मैं जैसे ही अगले स्टॉप पे कहीं रुकता तो वहाँ पर मिलते हैं भाई, टिल देन बने रहो अपने भाई के साथ लिमिटलेस इंडियन पे। हाँ जी पेपर आ चुका हमारा, अगेन भाई हमारा एक तेल डिलीवर कर रहा है यहाँ पे। भाई आज आपको बड़ी मस्त चीज़ दिखाता हूँ, आपने एक कंपनी है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेस्ला, उसके बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। भाई मैं सोचता था, मैं कहा यार ये बिजली पे चलती गाड़ी है ना, 400-500 किलोमीटर चलती है, उसके बाद जब ये रुकती होगी या रुक जाती होगी बंद हो जाती होगी, इसको मतलब लॉन्ग ट्रिप के लिए कैसे चलाएँ है ना। तो भाई साहब ये है टेस्ला की पार्किंग, यहाँ पर आप अपनी टेस्ला की गाड़ी लेकर आओ, चार्जिंग पे लगाओ और भाई मौज बनाओ। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, मैं जा रहा हूँ टिमोर्टन में कॉफ़ी लेने, कॉफ़ी लेकर वहाँ पर बड़े मस्त मस्त ट्रक खड़े हुए हैं, वहाँ से निकलेंगे चलते हुए और आपको ट्रक भी दिखाएंगे। और भाई मज़ा आ रहा है वीडियो को देखकर, तो वीडियो को ऑब्वियस ही बात है लाइक करो, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आ गया बस मैं। हाँ जी भाई, ओ कॉफ़ी हमने ले ली है और भाई
कॉफ़ी अब छोटी ली है क्योंकि वैसे भी शाम होने वाली है, अराउंड 4-4:30 बज चुके हैं दोपहर के, और इसके बाद भाई कहीं हमने रुकना नहीं है, बस खींचना है भाई ट्रक को, है ना। वहाँ से चलेंगे, वहाँ से उस साइड से, तो यहाँ पर ड्राइव थ्रू है। चलो भाई, ये किसी भाई का ट्रक खड़ा हुआ है, ये है भाई पंजाब एक्सप्रेस जिसका ये फ्लैट बेड ट्रक खड़ा हुआ है, और हमने जाना है वो खड़ा एक पीटरबिल्ट, हमने जाना है उस साइड। मुझे लगता था कि अच्छे ट्रक खड़े हैं, पर ज़्यादा अच्छे ट्रक नहीं खड़े, एक ही बस अच्छा खड़ा हुआ ब्लू वाला। तो यहाँ पर लोग तेल डलवा रहे हैं अपने ट्रकों में, भाई ये वाला ट्रक बड़ा मस्त था, पर ये कोई नहीं, अमेरिका में ऐसे बड़े दिखते हैं। कभी किसी गोरे को पकड़ के ना उसका ट्रक आपको अच्छे से अंदर से दिखाऊंगा। ये देखो भाई ओल्ड स्कूल ट्रक, पूरा बंदे ने पूरा ऐसा बना रखा भाई, जैसे ना जैसे ट्रांसपोर्ट नहीं है भाई, ये कोई गैंग का मेम्बर है भाई, बोले पूरा ओल्ड स्कूल टाइप है ना, मस्त लग रहा है। यहाँ पर ये वाला भी मस्त है, वहाँ पर अपना ट्रक खड़ा है, तो मैं पहुँचता हूँ भाई ट्रक पे। भाई ट्रक पे पहुँचने से पहले एक बड़ी बस चीज़ आई है भाई, ये क्या है, ओ भाई साहब ये क्या चीज़ है। भाई मेरे को लगता है इसके नीचे से निकल जाऊँगा। ये भाई साहब कैनेडा का फार्मर जा रहा है पीछे, ये भी ट्रक खड़ा कोई भाई सोने का अंदर, चारों तरफ हमारे ट्रक ही ट्रक है भाई, ट्रक ही ट्रक। इसने देख लो बैक करके लगाया, सीधा लगा दिया भाई। इसका रीज़न पता क्या होता है, इसका रीज़न होता है भाई कहीं कहते रात को फुद्दू ड्राइवर आ जाए तो वो मोड़ मोड़ते टाइम यहाँ पे डैमेज कर सकते हैं, तो इन केस में इसका सिर्फ ट्रेलर डैमेज होगा, ट्रक डैमेज नहीं होगा। दिमाग है भाई में। तो भाई अब हम पहुँच चुके हैं ट्रक के पास, चलते हैं अंदर और करते हैं ट्रिप को शुरू। तो हाँ जी भाई, ये है अमरीका का बॉर्डर, यहाँ से गाड़ी वाले जाते हैं भाई, कभी गाड़ी भी आएंगे तो आपको ये वाली साइड भी दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं भाई, अब ये ट्रक वाले जितने भी हैं घुमाकर हम ट्रक वाली साइड पे चले जाएंगे, और सारे भाई एक ही लाइन में चल रहे हैं, तो भाई मैं भी उन्हीं की लाइन में चल रहा हूँ उनके साथ। बॉर्डर ऑलमोस्ट बंद कर रहा है क्योंकि भाई जो नॉन असेंशियल ट्रैवल है वो बंद है, अगर आप घूमने फिरने जा रहे हो अमरीका से या कैनेडा में या कैनेडा से अमेरिका में, तो वो भाई बंद है, वो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो अब अगर हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी की, तो भाई ये सारी फेंस वगैरह लग रखी हैं, हर एक फेंस पे ऊपर कैमरेज लगे हैं, कैमरा से वो आपको मॉनिटर करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाड़ी में गार्ड्स बैठे होते हैं, यहाँ पर भी गार्ड्स होते हैं, तो भाई टाइट सिक्योरिटी होती है पूरी, पर फिर भी भाई लोग पार कर ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जैसे अगर हम ये दीवार की बात करें, है ना, अगर कोई बंदा यहाँ पे साइड पे लगा के ये दीवार टाप जाए, कूद जाए, है ना, तो भाई वो अमेरिका में ही है। तो ये तो चलो, ये तो फिर भी बॉर्डर है, मैंने तो ऐसी जगह भी देखी जहाँ पे बॉर्डर ही नहीं है, जहाँ पर सिर्फ अगर हम बात करें तो भाई थोड़े से लोग होते हैं, जंगल होता है, जंगल में से लोग कैनेडा से यूएस चले जाते हैं, यूएस से कैनेडा आ जाते हैं, होता है भाई वो चीज़ें होती है। उसके लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करोगे कि वो एग्जैक्ट, मुझे कोई वीडियोस मेरे पास है नहीं, ना आप उन्हें बनाई है भाई कभी। तो अब मुझे ना रुक कर जरा साइड पर अपने इसका यहाँ से एक और जगह है क्या क्या नहीं है, चलो एक काम करते हैं हम अपने ट्रक को यहाँ पर लगा लेते हैं, और मुझे फटाफट अपने ट्रक का रीफर बंद करना है, चलते हैं भाई। हेलो ऑफिसर, आई एम फ्रॉम इंडिया, इट्स अ फार्मास्यूटिकल्स, क्लीन फील्ड इंडियाना, इंडियाना पुलिस, सॉरी, दे आर लाइक टू सील्स, वन फ्रॉम द कंपनी विच दे पुट लाइक स्मॉल एल्युमिनियम, वन इज द लाइक स्ट्रॉन्ग वायर्ड सील्ड विच आई पुट, नथिंग। I do have food like chicken, it's a made like chicken curry, and I have like a couple of eggs, like 5-6 eggs, and let me think, some chapatis. No fruit, nothing. No ma'am, I didn't. Chicken curry.
या इसकी मिल जाए देखो Just Jaspreet. Have you ever been arrested before? No, ma'am. Have you ever been detained before by U.S. Customs? No, ma'am. Sure about that. Detained in the sense, like, they did like some inspections of my load though, but I never got detained though. Like, personally me, no, I never. Here you go. Thank you. Appreciate that. इतनी गर्मी होगी ट्रक में, एक तो मुझे गर्मी लग रही है, ऊपर से पूछ रहे थे, पूछ रही है कभी कहती गिरफ्तार तो नहीं हुआ, कभी ये तो नहीं हुआ, कभी वो तो नहीं हुआ। ओ भाई, चलो भाई, फाइनली यूएसए में एंटर कर चुके हैं और अब मैं लगा हूँ ड्राइव करने, जहाँ रुकता हूँ वहीं मिलता हूँ आपको बस। हाँ जी भाइयों, तो बात ऐसी हुई है, मुझे नहीं लगता आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, भाई चारों तरफ ट्रक ही ट्रक हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो अगर मैं बात करूँ भाई, मेरी कंपनी से बात हुई भाई, उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई आज इस टाइम शाम के 7:30 बज चुके हैं, शाम के, सूरज देख लो, ऐसा देश है भाई, ये ट्रक चेक करो भाई, क्या बात है। तो भाई उन्होंने कहा वो कल सुबह 6:30 खुलेंगे, तो 6:30 जाके डिलीवरी कर दियो, आज के लिए तू फारिग है और तू सो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई चलो जैसे भी है, तब मुझे आइडिया है, मैं कहा भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रक स्टॉप है लाइक टीए का, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो भाई, कम से कम नहीं तो वो दूर तक यहाँ से दोनों साइड ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। हमारे यहाँ भाई बैग लगा रहा ट्रक को, तो हम बात कर रहे थे कि अरे भाई क्या बात है, ये भाई ये देखो 2.5 करोड़ का ट्रक है, ये क्या बात है, क्या बात है। तो हम बात कर रहे थे कि भाई ये है टीए का ट्रक स्टॉप, और भाई साहब इस ट्रक स्टॉप पे ना हर एक तरीके की फैसिलिटी है। तो मैंने कहा भाई शाम हो चुकी है, तो वीडियो को एंड करने का इससे बढ़िया, कहते होते ना कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। देखो कितने सारे टायर पड़े हैं, सारे के सारे टायर नए हैं, ये इनकी सर्विस शॉप है, यहाँ पर आप पार्किंग नहीं लगा सकते, ये इनके सर्विस के भाई ट्रक खड़े हुए, अगर किसी का ट्रक रोड पे ख़राब हो जाए, उसका टायर फट जाए या छोटी मोटी कोई दिक्कत हो जाए, सांस ले लूँ भाई, मोटे हो गए मोटे। तो भाई किसी का ट्रक अगर रोड पे ख़राब हो जाए, तो ये ट्रक होते ही चले जाते हैं, रिपेयर कर देते हैं, और ये इनकी रिपेयर शॉप है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ट्रकों को रिपेयर वगैरह करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, मैं यहाँ पे लगाना चाहता था अपना ट्रक, पर यार यहाँ पर वही बंदे लगा सकते हैं जो थोड़े बुजुर्ग हैं, लाइक ये भी फैसिलिटीज़ है भाई इस कंट्री में, लाइक जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए स्पेशल पार्किंग होती हैं। और इस साइड अगर आप देखें, ये दो ट्रक रिपेयर होने के लिए खड़े हैं, ये उनका मेन डेस्क है। और भाई इस जगह का मुझे कैसे पता, क्योंकि एक बार मैंने वहाँ से अपना ट्रक रिपेयर कराया था, मैं दूसरी कंपनी के लिए काम करता था, तो भाई उस टाइम पे मैं आया वहाँ पे, भाई ट्रक स्टॉप है, मैं अंदर गया, अंदर जाके भाई क्या बताऊँ, अंदर जाके मैं हैरान हो गया, इतनी सारी फैसिलिटी है ना भाई अंदर, लाइक चलो वो मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे लगता है नहीं कि खुली होंगी, पर मैं मोटी मोटी आपको दिखा दूंगा भाई कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इस ट्रक स्टॉप पर लगी हुई हैं, और भाई मज़ा आएगा बहुत। एक हो रहा भाई देखता जा रहा है, आज वीडियो बना रहा लड़का, अरे चल भाई। अब देखो धीरे धीरे ना मेरी दिल्ली वाली हिंदी वापस आती जा रही है, जो कि बढ़िया बात है। अब भाई यहाँ हमने जाना है, ये भाई का ट्रक खड़ा हुआ है, ये भी भाई कनाडा से ही है, क्योंकि ये चैलेंजर कंपनी हमारे कनाडा में है, और भाई वहाँ अब हम चलेंगे और दिखाते हैं आपको। पर जहाँ तक मुझे याद आया कि भाई जो कोरोना वायरस की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें बंद भी हो सकती हैं, पर देखते हैं भाई क्या बनता है। चलो भाई चलो चलो चलो, वहाँ पर लोग डीजल डलवाते हैं अपने ट्रक में, अब
भाई इसका नाम है गोएसिस। लाइक जब भी आप यहाँ पर आओ अंदर जाकर आप मज़े मार सकते हो। भाई भाई ने अपने लिए दरवाज़ा खोल दिया। थैंक यू ब्रो, थैंक्स ब्रो। तो भाई ये ट्रक स्टॉप है, मैं थोड़ा सा धीरे हो जाता हूँ। भाई ये लॉन्ड्री चेक करो इनकी। ओ भाई साहब लॉन्ड्री, यहाँ पर आप कपड़े धो सकते हो, सुखा सकते हो। क्या भाई ये ट्रक ड्राइवर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और भाई उस तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर था मूवी थिएटर, पर जो कि उसकी वजह से बंद है, जैसे आप कह सकते हैं ना कि बंद कर रखा है इन्होंने क्योंकि कोरोना वायरस। सबको पता है कि यार हम पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लगा रखी हैं यार। लाइक फ़ोटोज़ पुराने टाइम के ना, पुराने टाइम की गाड़ियाँ। और भाई ये जुआरियों का अड्डा है, जो बंदे लॉटरी खेलना पसंद करते हैं भाई वहाँ पर, यहाँ पर आकर लॉटरीज वगैरह बाई कर सकते हैं। $30 से लेकर लाइक 1500 की लॉटरी से लेकर इनके पास $5 तक की लॉटरी है, $2 तक की लॉटरी है। सब अगर बात करिए भाई इनके स्टोर की, कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सच सच बताना भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो भाई। ये पुराने टाइम पे यही वाला हाईवे ऐसा दिखता था भाई, क्या बात है। यहाँ पर फिर इन्होंने लगा रखे हैं भाई कार्ड्स वगैरह लगा रखे हैं, ATM लगी हुई हैं। और क्या बात है भाई साहब, ओ भाई ये ट्रक स्टॉप है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने वेंडिंग मशीन्स लगाई हैं, अगर आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हो तो भाई पूल टेबल लगा रखे, जैसे पैसे डालो और पूल खेलो। उसके बाद ये मसाज चेयर्स होती थी, यहाँ पर भी कई सामान होगा जहाँ तक मुझे लगता है। भाई इन्होंने हटा दिया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, पर मसाज चेयर्स ट्रक ड्राइवर के लिए बढ़िया, बैठो या मसाज लो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, आप कुछ चीज़ें खेल के गेम खेल के ना यहाँ से सामान जीत सकते हो भाई। ये चीज़ें चलो इंडिया में भी होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होती भाई, पर अगर हम बात करें कि भाई ट्रक ड्राइवर्स के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं अमेरिका और कनाडा में। सो गेम्स, पूल, मसाज चेयर, चेंज, अगर आपको खुले पैसे चाहिए आप वो भी ले सकते हो भाई, क्या बात है यार, लाइक सेम। तो अब हम चलते हैं भाई इनके दूसरे सेक्शन में, जहाँ पर आप सामान वगैरह बाय कर सकते हो। सामान वगैरह इन द सेंस, यहाँ पर ब्लूटूथ हेडसेट्स होते हैं, यहाँ पर आप हर तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कर सकते हो। अगर आपका ट्रक वगैरह कोई ख़राब है तो भाई आपको उसके पार्ट्स वगैरह बाय कर सकते हो। मैंने बनानी नहीं थी ये वीडियो, मैंने सोचा कि यार भाई आज अगर जल्दी छुट्टी हो गई है ना तो वाई नॉट, तो यहाँ से आप ट्रक के स्पेयर पार्ट्स ले सकते हो हर तरीके के। उसके बाद हम आते हैं इस साइड, तो भाई यहाँ पर तालों से लेकर चाबियों तक सब मिलता है। स्क्रीन्स वगैरह भाई, लाइट्स, क्या बात है भाई, क्या बात है। और अगर हम इस साइड आते हैं तो भाई इस साइड इन्होंने ये रेडियोस होते हैं, ये ट्रक में रेडियोस लगते हैं, वो भी आप यहाँ से बाय कर सकते हो। यहाँ से आप GPS हो गए भाई, GPS कैमरास, हर एक चीज़ आप यहाँ से बाय कर सकते हो भाई, जो कि मस्त चीज़ है। लोग मुझे देख रहे हैं बट आई डोंट केयर, क्योंकि भाई मेरे को आपके लिए कंटेंट बनाना है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और TV भी मिलते हैं भाई, क्या हुआ था भाई, $150 में आपको ट्रक का TV मिल जाएगा, ये देखो भाई। तो ये सामान आप यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम ट्रक की बात करें भाई, ट्रक में अगर आपने कॉफ़ी बनानी है कॉफ़ी मेकर मिल जाएगा आपको, और अगर आपने खाना गर्म रखना है भाई वो मिल जाएगा, दोनों चीज़ें उसी चीज़ के लिए हैं। अगर भाई कुकर भी मिल जाएगा आपको, अगर आपने कुकर लेना था वहाँ भी, अगर आपको पंखा चाहिए पंखा मिल जाएगा भाई, छोटा बॉक्स चाहिए अपना लंच बॉक्स टाइप है ना वो भी मिल जाएगा, ट्रक का वैक्यूम चाहिए गाड़ी का वैक्यूम चाहिए वो मिल जाएगा, कंबल मिल जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फ्राई पैन। यस, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छी लग रही है वीडियो। तो भाई उसके बाद हम बात करते हैं भाई, यहाँ पर आपको क्लोथिंग मिल जाती है, अगर आपको किसी तरीके के कपड़े वगैरह लेने हैं भाई, जिनको मैं छूंगा नहीं भाई, इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, ना नो टचिंग। पर ये जैकेट देखो भाई, भाई लेदर की जैकेट, जो बाइकर्स होते हैं वैसी जैकेट, और कितने में, अगर हम मेंस लेदर वेस्ट देखें तो भाई ये $40, लाइक ₹2000 में आपको लेदर की जैकेट मिल जाएगी यहाँ पे। शर्ट कैपरी, क्या बात है भाई, कपड़े कच्चे बनियान तक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और भाई दस्ताने, तो फिर ऑब्वियसली अगर आप ट्रक चलाते हो या इस तरीके के कोई काम करते हो तो आपको भाई ग्लव्स वगैरह तो पहनने ही होते हैं सेफ्टी के लिए ना, ताकि आपके हाथ गंदे ना हो, हाथ पे चोट वगैरह ना लगे। और उसके बाद भाई हर तरीके के आपको यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं। फिर अब अगर बात करें भाई चश्मों की, चश्मे, टोपियाँ, बेल्ट, तो ये ट्रक स्टॉप पे ट्रक ड्राइवर्स के लिए स्पेशल ये चीज़ें लगाई हुई हैं इन्होंने। अब अगर हम बात करें भाई इस सेक्शन में चले, यहाँ पर और आपको रिपेयरिंग का सामान मिल जाता है भाई। अगर हम बात करें एग्जॉस्ट फ्लूड्स, कुत्तों के भी खाने भाई, कि क्या है? नहीं, कुत्तों का खाने क्या भाई, मुझे लगा कुत्ते की हड्डी है, पोछे, ये साफ सफाई के लिए आपको मिल जाता सामान भाई, क्या बताऊँ, मैं तो ओवरवेल्म हो गया हूँ।
सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए आम बात है, आता रहता हूँ मैं यहाँ पर बहुत बारी पहले भी आ चुका हूँ। ओवरऑल आपको बहुत सारा लाइक सोने का सामान मिल जाता है, लाइक नेक रेस्ट मिल जाता है भाई, सराहने मिल जाते हैं। हाँ ब्रो, बहुत ही बढ़िया ट्रक स्टॉप है ये, इसका नाम है TA का ट्रक स्टॉप। लाइक भाई मस्त चीज़ है एकदम। उसके बाद यहाँ पर आपको हेडफोन्स मिल जाते हैं, अगर आप चाहते हो कि भाई हेडफोन्स लगाना, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मेरे पास एप्पल के एयरपॉड्स है, इसलिए मैं ये वाले भाई यूज़ नहीं करता, पर ये मस्त चीज़ होती है। इसमें इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ट्रक चला रहे हो भाई, नॉइज़ कैंसलिंग जो होती है इन हेडफोन्स में बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से ना, लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं, कोई भाई बॉदर नहीं करता आपको। बंदे कहते हैं भाई अमेरिका ऐसा है, अमेरिका वैसा है, तो भाई इस साइड पे खाने का सामान है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको टॉयज मिल जाते हैं, अगर आप अपने किसी बच्चे के लिए है ना, या कई तो भाई बड़े भी बंदे बहुत शौकीन होते हैं भाई चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। ट्रक्स, गाड़ियाँ, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मतलब ख़रीदने के लिए अवेलेबल आप ले सकते हो, जैसे कि ये जीप देख सकते हो आप, छोटा सा टेडी बियर देख सकते हो। तो मस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ओवरऑल अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई 100,000 पे हम ऐसे ट्रक गिव अवे करेंगे हमारे भाइयों को, लाइक वंस वी गेट 100 सब्सक्राइबर्स। तो भाई उसके लिए करना क्या होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और भाई ये हमारा अमेरिका का ट्रक स्टॉप। मुझे अभी कुछ खाना नहीं है, खाने पीने का सामान भी है। भाई साहब, भाई यहाँ पर सिर्फ बच्चों के खेलने की चीज़ें नहीं है, बड़ों के, बच्चों के पीने के साथ साथ यहाँ पर बड़ों के पीने के लिए भी बहुत कुछ है। लाइक यहाँ पर ब्रो, यहाँ पर ऐसा अमेरिका में आप गैस स्टेशन पे भी लेकर बाय कर सकते हो, अगर आपको कोई ड्रिंक्स वगैरह बाय करनी है, आपको लगता है भाई मुझे दारू बाय करनी, ये बाय करना, वो बाय करना, तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो भाई ये था अमेरिका का ट्रक स्टॉप। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उसके बाद यहाँ पर वॉशरूम्स होते हैं, अब हम चलते हैं बाहर को और वीडियो को करता हूँ मैं एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल अच्छा लगा हो हमारा लिमिटलेस इंडियन, भाई झूठ नहीं बोलूँगा, पब्लिक में जाकर वीडियो बनानी हाथ में ऐसे कैमरा पकड़ के इज़ नॉट ईजी। भाइयों का प्यार चाहिए, नीचे वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगली वीडियो भाइयों, टिल देन बने रहो, स्टे लिमिटलेस और स्टे इंडियन।